कर दोस्तों, वीवो का आया है Y36, एक नया फ़ोन आया है। इसके बारे में बताते हैं कि क्या खासियत है, कैसा बनाया है, बस अभी हाथ में आया ही है, और पूरी जानकारी लेके देते हैं कि कैसा फ़ोन है, क्या क्या खूबी डाली है, क्या क्या चीज़ें मिलेगी और आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सब देखते हैं। तो बॉक्स पर मेन हाईलाइट देखेंगे तो 6.64 इंच का फुल HD प्लस का 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ डिस्प्ले डाला है, 44W का फास्ट चार्जर, 5000mAh बैटरी और RAM 8GB है, प्लस 8GB बूस्ट कर सकते हैं, और 50MP का मेन कैमरा और वीवो मैक इन इंडिया, ये मेन चीज़ें हो गई इसकी। और Y36 दो बड़े कैमरे। अब खोलते हैं बॉक्स, थोड़ा सा अलग सा है। वीवो के फ़ोन में क्या होता है कि हो सकता है थोड़ा सा महंगा सस्ता कैसा भी हो, मगर होता ट्रस्टेड है, क्वालिटी बड़ी प्यारी होती है उसकी और चलने में भी अच्छा होता है, दिखता भी सुंदर है। अभी ये कैसा दिखेगा एक बार इसको भी देख के बताते हैं आपको। इसमें दो कलर है दोस्तों, ये गोल्ड कलर खुला है, और इसके अंदर बॉक्स को हटा के ये देखें तो एक तो ये दिया इन्होंने कवर, ये बुकलेट सी कुछ दी है, कवर ठीक ठाक सा ही होता है मगर ठीक है। ये टाइप ए टू टाइप सी होनी चाहिए, हाँ टाइप ए टू टाइप सी डेटा केबल हो गई, सिम निकालने का एक पिन हो गया, और ये अपना 44W का फास्ट चार्जर हो गया, बस बॉक्स में यही है दोस्तों। मुख्यतः गोल्ड और ब्लैक ये दो कलर दिए हैं, देखने में दोनों अपनी अपनी जगह बहुत प्यारे, मगर ये जो गोल्ड कलर है बहुत शानदार खूबसूरत लग रहा है। एक बार इसको ढंग से देखते हैं। 8.177 इंच की मोटाई हो गई, 202 ग्राम इसका वज़न हो गया, और 6.64 इंच का डिस्प्ले है। इस तरफ इन्होंने दिए ग्लास फिनिश बॉडी, लुक बहुत प्यारा सा लग रहा है, एकदम खूबसूरत सा, ये बहुत एकदम हाथ फेरने में बहुत अच्छा फील आ रहा है यार इस पर। सेम ऐसे अगर ब्लैक को देखेंगे तो इस पर भी एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सा फील आता है। और दो बड़े बड़े कैमरे दिए हैं, कैमरे तीन नहीं दिए, दो ही दिए हैं, एक फ्लैश लाइट दी है। राइट साइड में अपन देखेंगे तो कुछ भी नहीं दिया, नीचे की तरफ दिया 3.5mm जेक, माइक, चार्जिंग स्लॉट सी टाइप वाला, स्पीकर इधर दिया है, ये आपका फिंगरप्रिंट और लॉक अनलॉक की, वॉल्यूम अप डाउन बटन, ऊपर की तरफ सेकेंडरी माइक, और एक ये सिम टूल, इसके अंदर आप दो सिम के साथ एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। वैसे मेमोरी कार्ड पहले लग नहीं रहे थे, मगर ये फ़ोन जोक्स मतलब 4G होने के कारण इसमें मेमोरी कार्ड डाला है, वैसे 5G फ़ोनों में मेमोरी कार्ड हटा दिया था। 6.64 इंच का डिस्प्ले दिया है, मगर ये जो चिन दिख रही है ना आपको बड़ी बड़ी सी, और ये वाटर ड्रॉप दिया है, मतलब ठीक है, ओवरऑल लुकिंग तो सुंदर दी है, मगर कुछ चीज़ों में इन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करके इसको कीमत में डाला है आपके, कि 17,000 की रेंज में 8/128 का फ़ोन मिल जाए, मगर ये डाला 4G है, 5G होता तो बहुत बढ़िया हो जाता, मगर अब क्या है कि हर रेंज में फ़ोन होना ज़रूरी है। इनका 20,000 वाले रेंज में भी है, 15,000 के नीचे भी है, तो ये 17,000 की रेंज में इन्होंने डाला है। डबल कैमरे दिए हैं, कैमरा मेन जो है ये 50MP का, सेकेंडरी 2MP का दिया, और 16MP का सेल्फी कैमरा दिया। अब कैमरे के कुछ सैंपल फ़ोटो खींच करके मैं डालता हूँ, देखे कैसा लगता है। सर की ओर देखेंगे तो बॉक्स में आपको फ्रंट टच ओएस 13 मिलेगा, एंड्रॉयड 13 आएगा, 8GB रैम है, 8GB रैम बूस्ट कर सकते हैं, 2.4GHz का स्नैपड्रैगन 680 ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, 128GB इंटरनल स्टोरेज हो गया, एंड्रॉयड वर्जन बता ही दिया, दो एंड्रॉयड वर्जन के अपडेट मिलेंगे और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट मिलेंगे इसमें, 5000mAh बैटरी मिलेगी, 44W का चार्जर है, चार्जर बहुत क्विक हो जाएगा। ओवरऑल अगर अपन देखेंगे तो रिक्वायरमेंट तो ऐसे 5G की होती है, मगर किसी किसी का बजट नहीं चलता, और खूबसूरत सुंदर फ़ोन लगना चाहिए, दिखने में बड़ा प्यारा है लुकिंग में तो, और कंपटीशन में अगर चेक करेंगे तो इस रेंज में बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, मगर जिनको वीवो का ट्रस्ट है वो वीवो ही लेना चाहेंगे। तो 17,000 में वीवो ने लॉन्च किया है, कीमत थोड़ी सी अलग तरह की है, मगर अब जो भी है आप खुद चेक करके बताएं कि कैसा क्या लग रहा है। ओवरऑल देखेंगे ना तो खूबसूरत बहुत है, पसंद आ जाएगा, ड्यूरेबल भी होगा, ये कन्फर्म है, इसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी होगी, मगर कुछ चीज़ों को अपन कंपेयर करेंगे तो दूसरी चीज़ें कहीं नंबर ज़्यादा ले जाती है, ये नंबर वैसे कम ले जाएगा, मगर अब आया है मार्केट में, नया फ़ोन आया है, तो इसके बारे में बताते हैं कि कैसा क्या लग रहा है। एक बार फिर से आपको ओवरऑल इसकी कुछ चीज़ें खास खास बता दूँ कि 50MP के कैमरे, 90Hz की रिफ्रेश रेट के साथ फुल HD प्लस डिस्प्ले आ गई, और लुकिंग बड़ी प्यारी है, इसके ग्लास बैक जो दिया है वो बड़ा सुंदर सा है, मगर 4G सेट है, 8GB रैम है, 128GB इंटरनल है, मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं दो सिम के साथ में, और इसी के साथ में ये बजाज वगैरह में जीरो की स्कीम भी दी है कि जीरो डाउन पेमेंट के साथ मिल जाएगा, कोई क्रेडिट कार्ड अगर SBI वगैरह का है तो उसमें 1000 का कैशबैक भी दिया है, पर ओवरऑल ठीक ठाक सा फ़ोन है। कैमरे वैसे देख रहा हूँ तो ठीक है, मतलब वीवो के कैमरे वैसे थोड़े उन्नत किस्म के होते हैं कि फोटोग्राफी बढ़िया आती है, और ये आ गया है मार्केट में नया दो कलर में Y36। आए आप देखें आपको कैसा लगता है, बाकी जो समझ में आए आप कमेंट कर दीजिए कि आपको क्या फील हो रहा है इसको लेकर के। 17,000 की रेंज में दूसरे कॉम्पिटिशन का तो आ रहा है माल, मगर कहीं कहीं ऐसा लगता है कि वीवो के साथ अगर किसी का ट्रस्ट बना हुआ है तो वो इसको लेगा ज़रूर, और ये चलेगा भी बेहतर, मतलब 3-4 साल चलने लायक फ़ोन है चलने में तो, मगर अगर टेक्नोलॉजी के साथ चलेंगे जब तो फिर 5G लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, बने रहें, कुछ और नई चीज़ आएगी तब आपको बताएंगे कैसी लग रही है।